हेलो एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो क्लास 11th का है इसके चैप्टर नंबर 11 नीति के दोहे जिसे लिखा है रहीम जी ने इसे पढ़ रहे थे। अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है जिसमें हमने कुछ दोहों को पढ़ा तो आप पहले वो देख लें ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। ओछो काम बड़े करे तो न बड़ाई होए, जो रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोए। कवि रहीम बड़े और छोटे व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यदि कोई छोटा व्यक्ति कोई बड़ा काम करता है तो उसकी बड़ाई नहीं होती है। इसका उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि हनुमान जी ने भी पहाड़ उठाया था पर उन्हें कोई गिरधर नहीं कहता है। यानी कोई छोटा व्यक्ति अगर बड़ा काम करे तो उसकी उतनी बड़ाई नहीं होती है। एग्जाम्पल उदाहरण उन्होंने दिया है कि जैसे हनुमान जी ने भी पहाड़ उठाया था लेकिन श्री कृष्ण का जितना नाम हुआ उतना हनुमान जी का नहीं हुआ। नेक्स्ट है, दीन सबन को लखत है दिन ही लखय न कोय, जो रहीम दिन ही लखय दिन बंधु सम होए। कवि रहीम कहते हैं कि गरीब व्यक्ति हर किसी की ओर आशा भरी नज़रों से देखते हैं कि जाने कहाँ से कुछ मिल जाए, पर गरीब की ओर किसी की नज़र नहीं जाती। रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीबों की ओर देखता है यानी उनकी सहायता करता है वह दिन दुखियों का सहायक यानी ईश्वर की भांति होता है। तो कवि कहते हैं कि गरीब व्यक्ति व्यक्ति जो गरीब होता है वो दूसरों को आशा भरी एक उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं कि कहीं से उसको कुछ हेल्प हो जाए सहायता मिल जाए, पर गरीब की ओर किसी की नज़र नहीं जाती है। तो इसके लिए कवि कहते हैं कि जो भी व्यक्ति गरीबों की ओर देखता है उनकी सहायता करता है उनकी हेल्प करता है वह दीन दुखियों का सहायक होता है यानी कि ईश्वर के समान होता है ईश्वर की भांति होता है। नेक्स्ट है, नाद रिजी तन देत मृग नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिझेहु कौछु न देत। रहीम कहते हैं कि हिरण मधुर आवाज़ पर रिझ जाता है यानी मोहित होकर अपनी जान दे देता है। पुरुष जो होता है वो धन प्राप्ति के लिए पशु से भी अधिक रिझता है पर इतना करने पर भी उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जो हिरण है वो मधुर आवाज़ पर मोहित हो जाता है और अपनी जान दे देता है। वो उसी तरीके से जो पुरुष है जो मनुष्य है वो धन प्राप्त करने के लिए और धन प्राप्त करने के समय इतना ज़्यादा उस पर मोहित हो जाता है कि वो पशुओं से भी अधिक उस चीज़ को पाने की इच्छा रखता है लेकिन इतना करने के बावजूद भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है। रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही जूती खात कपाल। कपाल यानी सिर। कवि रहीम कहते हैं कि मनुष्य को अपनी जीवा को वश में रखना चाहिए वरना जीवा तो बावली होती है वह इधर उधर की जाने क्या क्या बातें बकती रहती है। जीव तो कड़वी बातें कहकर मुंह के भीतर चली जाती है पर उसका बुरा परिणाम सिर को भोगना पड़ता है क्योंकि जीव की कही हुई कड़वी बातों के लिए जूते सिर को सहने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि कवि रहीम जी कहते हैं, यहाँ छोटी ई की मात्रा होगी, कि मनुष्य को अपनी जीवा को वश में रखना चाहिए, बोलते समय ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जीव तो बावली होती है वो तो इधर उधर कुछ भी बक देती है कुछ भी बोल देती है। जीव तो कड़वी बातें कह देती है एक क्षण में लेकिन उसका बुरा परिणाम जो होता है रिजल्ट जो है वो सिर को भोगना पड़ता है क्योंकि जीभ के द्वारा जो कड़वी बातें कही जाती है उसके जूते सिर को ही सहने पड़ते हैं। नेक्स्ट है, तासो ही कुछ पाइए की जो जाकी आस, रीते सर्वर पर गए कैसे बुझे
प्यास। कवि रहीम कहते हैं कि जिससे कुछ मिलने की उम्मीद हो उसी की आशा करनी चाहिए। किसी खाली सरोवर पर पानी पीने के लिए जाने से क्या मिलने वाला है? खाली सरोवर के पास जाने से प्यास कैसे बुझेगी? अब कवि जी यहाँ जो रहीम जी है वो समझाते हैं कि कुछ भी मिलने की उम्मीद हमें वहीं से करनी चाहिए जहाँ से हमें कोई आशा हो, कोई उम्मीद हो। क्योंकि अगर किसी कोई व्यक्ति प्यासा है और वो खाली सरोवर पर पानी पीने के लिए जाएगा तो उसे क्या मिलेगा? क्योंकि पानी तो है ही नहीं, भले वो सरोवर है लेकिन उसके अंदर पानी तो है ही नहीं, वो खाली है। तो क्या वहाँ पर जाने से उसकी प्यास बुझेगी? तो ये कवि समझाना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये दोहे समझ में आए होंगे, जिसे आप अपने जीवन में भी अपनाएंगे। तो उम्मीद है इस चैप्टर के ये दोहे आपको समझ में आए हो। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।